और ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि कहीं भी अगर आप कोई भी संदिग्ध चीज देखें तो तुरंत आप पुलिस को फोन करें, उसको हाथ न लगाएं। आगे बढ़ते हैं, खंडवा से खबर आ रही, जहां पर सर्विस रिवॉल्वर साफ करते समय एक जवान से गोली चल गई और गोली चलने की वजह से तीन अन्य साथी जवान घायल हो गए हैं। बड़ी खबर रैपिड एक्शन फोर्स से खबर आ रही है, जहां पर हथियार की सफाई कर रहे थे, अचानक गलती से फायर हो गया और जिसमें बताया जा रहा है कि तीन जवान घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी खंडवा में दादाजी भक्त निवास पर रुकी हुई है और गोली उस वक्त चली जब सुबह आरपीएफ का एक जवान अपनी सर्विस रिवॉल्वर साफ कर रहा था। गोली चलने से तीन जवान रमेश मिश्रा, इंद्रजीत सिंह और काशीराम घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पहले तो मीडिया को इस पूरे मामले से दूर रखने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन घायलों को देखने के लिए खंडवा एसपी रुचिवर्धन मिश्रा अस्पताल पहुंची और उनका हालचाल जाना, स्थिति तब स्पष्ट हो पाई। खंडवा एसपी ने बताया कि चुनाव को लेकर खंडवा भेजा जा रहा था और पिस्टल की सफाई करते वक्त उसमें गोली चल गई और तीन लोग इसमें से घायल हुए हैं, एक को इंदौर रेफर किया गया है। और जावेद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, गोली चल गई, तीन के घायल होने की खबर आ रही है, क्या इसमें कहां चूक कहां हो गई? जी, मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर आरएएफ की एक बटालियन को खंडवा पहुंचाया गया है। बटालियन यहाँ पर दादाजी आश्रम है, वहां पर जो भक्त निवास है वहां पर रुके हुए थे। सुबह बता रहे हैं कि सुबह जो सर्विस रिवॉल्वर है उसको साफ करते समय उनसे रिवॉल्वर चल गया, जिसके बाद तीन लोग घायल हुए, जिसमें एक को इंदौर रेफर किया, दो का अस्पताल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले में एसपी भी आई थी वहां पर निरीक्षण करने के लिए, क्या उनसे बातचीत हो पाई कि आखिर क्या वजह थी? रिवॉल्वर बता रहे कि पिस्टल साफ कर रहे थे, अचानक गोली चली, उसमें तीन लोग घायल हो गए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जब घटना हुई हो, जैसे मीडिया भी पूछी अस्पताल, तो पहले तो मीडिया से पूरा मामला दूर रखा जा रहा था। जब एसपी खुद वहां पर उनका हाल जानने पहुंची, उसी वक्त मीडिया भी उनके साथ कुछ पर किया, मैं और एसपी मैम जो यहाँ पर हैं, उन्होंने साफ ये बताया कि मतलब कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, रिवॉल्वर साफ कर रहे थे उसी वक्त गोली चली है और उसमें इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक का ऑपरेशन होना है इसलिए उसको इंदौर रेफर किया गया है। चलिए जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।